guys, welcome back to AZ Vlogs. I hope you all guys are good and fine. तो welcome again. उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, ठीक होंगे. तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर आप पूरी वीडियो देखें. वीडियो के टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा वीडियो किस बारे में है. तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे तो मैंने उबर की वीडियो बनानी थी. लास्ट वीडियो में मैंने बोला भी था कि मैं उबर की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा था. इस पे मैंने वीडियो बनानी ही थी. अगर मैं उबर की पहले बना लेता या ये पहले बना लेता तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखें. बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कैंडी चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें. काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब तो नहीं किया लेकिन वो वीडियोज देखते हैं. तो भाई सब्सक्राइब करके देख लो क्या फ़र्क पड़ता है. तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी. तो अब अगर मैं बात करूं वीज़ा रिजेक्शंस इन 2024, काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन देखी गई है पिछले सालों की निस्बत. पहले इतने रिजेक्शन कभी नहीं आई स्टूडेंट वीज़ों में. अभी इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी. न्यू माइग्रेशन स्ट्रेटजी, इनके जो न्यू रूल्स आए थे उस पर मैंने कुछ देर पहले वीडियो बनाई थी. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी काइंडली वो वीडियो जाके लाजमी देखें. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो इस वीडियो की और अच्छे से आपको समझ आएगी. तो वो वीडियो भी जाके लाजमी देखें जी. तो अब अगर मैं बात करूँ पिछले साल के एंड में, दिसंबर में, नवंबर में और इस साल के स्टार्टिंग तक, तकरीबन 25% वीज़ा रिजेक्शन रेट देखी गई है और ये सबसे हाई है पिछले सालों की निस्बत. पहले इतनी रिजेक्शन कभी नहीं हुई. अब अगर मैं इसकी रीजंस की बात करूं तो पहले वही माइग्रेशन स्ट्रेटजी की बात करूंगा, जो मैं सारी बातें रिपीट तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले ही उस वीडियो में कर चुका हूं. इनकी कुछ पॉलिसीज थी जिन पर ये पूरा उतर नहीं सके. हाउसेज बनाने थे, नहीं बना सके, इसीलिए हाउसेज के भी क्राइसिस, जॉब्स के भी क्राइसिस. तो वो वीडियो में मैंने ये सारा बताया. आप वो वीडियो जाके लाजमी देखें. फर्स्ट रीज़न इनकी यही है, जो इन्होंने न्यू माइग्रेशन स्ट्रेटजी बताई थी उसके मुताबिक इसीलिए ये लोग कम बुला रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट पहले ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं आफ्टर कोरोना के बाद. इनसे वो अभी तक संभाले नहीं गए क्योंकि हाउसेस के भी क्राइसिस हैं, उसी तरह जॉब्स के भी क्राइसिस हैं. तो इसीलिए अब ये लोग वीजाज बहुत कम ग्रांट कर रहे हैं. और अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करूं तो सेकंड नंबर पे आपके आते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप वीज़ा अप्लाई करते वक्त साथ लगाते हैं. वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं. पहले लोग क्या करते थे 2019-2021 में फर्जी डॉक्यूमेंट भी लगाते थे. लाइक अगर किसी की डिग्री नहीं हुई, बुरे मार्क्स पे तो उसका फर्जी डॉक्यूमेंट बना के वो लगा देते थे. और पहले इस तरह वीज़ा मिल भी जाता था. तो अब ये जो है अब इस तरह पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब उनको सारा पता लग चुका है. इंडिया और पाकिस्तान और नेपाल, ये तीन कंट्रीज को उन्होंने ज़्यादा टारगेट किया. इनको वीज़ा बहुत कम दे रहे हैं क्योंकि लोग पहले फेक डॉक्यूमेंट लगाते रहे हैं. इसी रीजन से उनको अब आइडिया है, इसीलिए वो वीज़ा बहुत कम ग्रांट कर रहे हैं इन तीन कंट्रीज में. तो अगर आप डॉक्यूमेंट फेक लगेंगे तो भी 100% रिजेक्शन आएगी. उसके बाद अगर मैं फंड्स की बात करूं तो फंड्स भी बहुत लोग पहले फेक शो करवाते थे, अब उस चीज पे भी इनको आइडिया है. मेक श्योर आपके फंड्स भी जेन्युइन हो, आपकी डिग्रीज भी जेन्युइन हो. और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आता है आर्ट्स. तो आर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर उसमें आप ज्यादा से ज्यादा बैंड लें. और इन्होंने हर डिग्री के हिसाब से, हर कोर्स के हिसाब से 0.5 बैंड बढ़ा दिए हैं. वो भी मैंने उस वीडियो में कवर किया हुआ है. तो मेक श्योर आपके आर्ट्स भी अच्छा हो, आपके फंड्स भी जेन्युइन हो और आपका डिग्रीज भी जेन्युइन हो. उसके बाद पहले जीटी होती थी, उसको इन्होंने चेंज करके जीएसटी में कर दिया, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट में, ताकि हमें पता लगे कौन सा स्टूडेंट जेन्युइन है, कौन सा स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है. और ये उसी स्टूडेंट को बुलाएं जो जेन्युइन स्टूडेंट है. इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करने शुरू कर दिए यूनिवर्सिटीज की तरफ से. और कॉलेजेस के वीजे तो वैसे ही नहीं लग रहे, यूनिवर्सिटीज के लग रहे हैं, वो भी कुछ परसेंट यूनिवर्सिटीज के लग रहे हैं. और अगर यूनिवर्सिटीज को कुछ शक होता है किसी स्टूडेंट पे भी हल्का सा भी, तो उसका वीजा रिजेक्ट ही होता है. और तो इसीलिए मेक श्योर आप जीएसटी में भी जेन्युइन चीजें लगाएं सारी. और उसके बाद अगर मैं लास्ट पे बात करूं तो लास्ट पे आती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने अपनी सारी स्टेटमेंट दी होती है कि आपका यहाँ आने का पर्पस क्या है और वापस जाने का पर्पस क्या है. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स को अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का पता ही नहीं होता, तो अगर वो इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें आपकी सारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए. अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का नॉलेज नहीं है, अगर आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप जो बता रहे हैं वो नहीं है और जो आपने लिखी है वो डिफरेंट है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा. उन्हें 100% पता लग जाएगा ये स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है. तो मेक श्योर आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस खुद लिखें.
उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लेवल होते हैं, लेवल वन की यूनिवर्सिटी, लेवल टू की यूनिवर्सिटी और लेवल थ्री की यूनिवर्सिटी, कोशिश करें लेवल वन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएं, उसकी वीज़ा रेशो अच्छी होगी एज कम्पेयर टू लेवल टू और थ्री। और इसी तरह लेवल वन के कॉलेज में करवाएंगे तो उसका भी वीज़ा रेशो अच्छी होगी एज कम्पेयर टू लेवल टू के कॉलेज और लेवल थ्री के कॉलेज। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आप लेवल वन के कॉलेज में करवाएं, आपके मैट्रिक में भी मार्क्स अच्छे हों, आपके इंटर में भी मार्क्स अच्छे हों, आपका आइट्स भी अच्छा हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी जेन्युइन हो, जेन्युइन आप स्टूडेंट हो, तो वो वीज़ा रिजेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा डिले आ सकता है वीज़ा आने में, लेकिन रिजेक्ट नहीं होगा। वो उन्हीं के ही रिजेक्ट कर रहे हैं जिनका उनको थोड़ा सा भी शक है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। तो मेक श्योर आप सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन लगाएं, आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का ख्याल करें, आइट्स का ख्याल करें। इसके अलावा लेवल वन के कॉलेज या लेवल वन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएं। कॉलेजेस की वीज़ा रेशियो थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी। अगर आप यूनिवर्सिटी में करवाते हैं तो मेक श्योर करें आपकी फीस इतनी हो कि आप यहाँ पे आके मैनेज कर सकें। यही सारी मेन मेन बातें हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो मेक श्योर आप सारा कुछ जेन्युइन लगाएं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो ऊबर पे चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ऊबर पे बनाऊंगा। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, करनी चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।